आपका लाइट रूम स्लो हो गया है एंड ऑलमोस्ट ड्रैग करने लग गया है एंड आप नए कंप्यूटर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी भी नए हार्डवेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपका कंप्यूटर भी पुराना हो गया है, देन आपको क्या करना चाहिए? आज मैं इस वीडियो में वो ही बताऊंगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स को यूज करके लाइट रूम के अंदर कुछ सेटिंग्स करके हम अपने लाइट रूम को फास्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स टेक ए डीप डाइव इन टू द एंटायर प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं प्रेफरेंसेस में जाऊंगा। अगर विंडोज पे आप हैं देन वो एडिट के नीचे आपको मिलेगी, अगर आप मैक पर हैं देन आपको जो लाइट रूम लिखा होगा उसके नीचे मिलेगी। प्रेफरेंसेस में हम जाते हैं। प्रेफरेंसेस में आप परफॉर्मेंस वाले टैब पर आ जाइए। परफॉर्मेंस वाले टैब पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि यूज ग्राफिक्स प्रोसेसर जो है मोस्टली कई बार ऑफ होता है, इसको आपने या तो ऑटो कर देना है या कस्टम करना है। ऑटो करने के बाद यहाँ पे देखिए कि इसने जो ग्राफिक्स कार्ड है आपका, इसको डिटेक्ट किया है कि नहीं किया है। अगर डिटेक्ट कर लिया है देन आई थिंक दिस सेटिंग इज इनफ। अगर नहीं करता है देन आप कस्टम्स में जाएंगे, कस्टम्स में आप सेटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहीं पर रहते हुए सेकेंड जो हमने सेटिंग करनी है वो है कैमरा रॉ कैश सेटिंग्स। इसमें जो लोकेशन है बाई डिफॉल्ट सी ड्राइव में होगी, इसको आपने इंटरनल ड्राइव पे रखना है। मैंने जैसे यहाँ पे किया है चूज करिए, यहाँ पर चूज करने के बाद मैंने एफ ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है लाइट रूम कैशे करके, इसको मैंने सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर देना है, वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। जो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे उसमें इनफ स्पेस होना चाहिए, बिकॉज ये जो कैश फाइल्स हैं ये स्पेस को कंज्यूम करती हैं। ये ना हो कि पहले ही ड्राइव भरी हुई है देन सिस्टम और स्लो हो जाएगा। इसके बाद ये जो मैक्सिमम साइज है कैशे का, ये बाई डिफॉल्ट 5GB आता है, इसको एटलीस्ट 20GB कर लीजिए। पर ये ध्यान रखिए कि आपकी उस ड्राइव में इतनी स्पेस होनी जरूरी है। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है देन आप इसको यहाँ से ज्यादा भी रख सकते हैं, 60GB, 80GB, कई लोग 100GB भी रखते हैं। उसके बाद जब हम नीचे डेवलप में आते हैं, यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस हैं। पहला है इनेबल होवर प्रीव्यू ऑफ प्रीसेट्स हिस्ट्री एंड स्नैपशॉट्स इन लूप। ये एक्चुअली है क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर तो मैं डेवलप मोड में आता हूँ, तो जब भी मैं प्रीसेट के ऊपर हॉवर करता हूँ माउस को, तो आप साइड में जो फोटो है इसके ऊपर देखिए, वो ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई करके वो इफेक्ट को मुझे प्रीव्यू दे देता है। अब ये प्रीव्यू जनरेट करने में इसको टाइम लगता है, तो अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है देन आई वुड प्रेफर कि आप प्रेफरेंसेज में जाके इस सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। एंड सेकेंड जो है वो जो क्लिक करना है, चेक करना है बॉक्स को, वो है यूज स्मार्ट प्रीव्यू instead of originals। Smart previews actually क्या होते हैं कि Lightroom एक आपको option देता है कि जब आप moving कर रहे हो, कहीं से यहाँ से बाहर जा रहे हो and वहाँ पे आप edit करना चाहते हो, hard disk carry नहीं करना चाहते, then आप smart previews के ऊपर edit करके जब hard disk को attach करोगे automatically उसमें हर चीज apply हो जाएगी। But इसका फायदा एक और है, because ये minimum space लेते हैं, इसीलिए system के ऊपर सबसे कम burden डालते हैं and system generally fast रहता है। And उसके बाद कैटलॉग सेटिंग्स को यहां से ऑप्टिमाइज कैटलॉग करके कैटलॉग को ऑप्टिमाइज कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं कैटलॉग सेटिंग्स में। एडिट में जाके नीचे आप कैटलॉग सेटिंग्स में आएंगे, देन यहां पर जो प्रीव्यूज हैं इसकी सेटिंग्स से भी आप सिस्टम को अपना फास्ट कर सकते हो। पहला तो यह है कि स्टैंडर्ड प्रीव्यू साइज, स्टैंडर्ड प्रीव्यू में जब जाएंगे देन ये जो ऑटो रहता है, मैं जनरली इसको इसी पे रखता हूँ, बिकॉज ये ऑप्टिमाइज ऑलरेडी करके चल रहा होता है कि आपकी जो स्क्रीन जिसकी जिस पे आप देख रहे हो उस पर उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करके आपको प्रीव्यू दिखाता है। जो प्रीव्यू क्वालिटी है इसमें आपको तीन मिलती है, हाई, मीडियम एंड लो। इसमें मैं प्रेफर करता हूँ मीडियम। एंड उसके बाद नीचे आएंगे प्रीव्यू स्टोरेज मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छी ऑप्शन अब नए लाइट रूम में आई है, ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड 1:1 प्रीव्यूज। अगर आप 1:1 प्रीव्यूज क्रिएट करते हो अपनी हाई एंड एडिटिंग के लिए, देन उसको एक टाइमलाइन दो कि उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, सो दैट कि आपका जो स्पेस कंज्यूम हो रहा था वो रिलीज हो जाएगा। एंड उसका आप टाइम दे सकते हो कि आपको उस प्रोजेक्ट में एडिट करने में कितना टाइम लगेगा। मैं जनरली 1 week रखता हूं, अगर मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं कस्टम करके यहां पर आके 30 days कर सकता हूं। एंड उसके बाद एक और ऑप्शन आती है, ऑल्टरनेट ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन नहीं चलती, या तो ये कर सकते हो या आप लिमिट प्रीव्यू कैश साइज जो है वो कितना रखना है वो साइड कर सकते हो। मैं जैसे मैंने 50GB रखा हुआ है, तो 50GB जैसे ही होगा उसके बाद ये स्पेस नया कंज्यूम नहीं करेगा एंड ओवरराइट करता जाए। एंड इसके बाद जो एक और सेटिंग है, ये कई बार गलती से ऑन रह जाती है, उसको ध्यान रखना है,
वो है फेस डिटेक्शन का, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट फेसेस इन ऑल फोटोज। ये आपने गलती से भी चेक कर दिया देन एक इशू हो जाएगा, चाहे उस फोटो में फेस है या नहीं है, आपकी फोटो का प्रीव्यू जैसी जनरेट होगा उसी समय वो फेसेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा एंड वो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा एंड सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा। बाय डिफॉल्ट इसको ऑफ ही रखना है, इसको चेक नहीं रखना। इसके बाद जो एक सेटिंग है जो कि मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं, वो है इंपोर्ट के टाइम की सेटिंग। जैसे हमने स्मार्ट प्रीव्यूज का एक सिलेक्शन लिया था जो मैंने प्रेफरेंसेस में जाके आपको दिखाया था, वो आप वाइल इंपोर्टिंग फोटोज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जब कुछ भी इंपोर्ट करना है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर आ रहा है कि जो बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यूज है बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, इसको मैं ऑन कर दूंगा। एंड जो बिल्ड प्रीव्यूज का जो है एम्बेडेड एंड साइडकार, इसको भी यहाँ पे मिनिमल है, एम्बेडेड एंड साइडकार है, स्टैंडर्ड है, 1:1 है। 1:1 बहुत हैवी हो जाते हैं, अंटिल अनलेस आप पिक्सल पीपिंग करके कुछ एडिट नहीं कर रहे तब तक इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि आप इसको स्टैंडर्ड में रखिए। स्टैंडर्ड में जब भी आप इसको रखेंगे देन जो प्रीव्यूज जनरेट होंगे वो बहुत फास्ट होंगे। ये तो थी आपकी लाइटरूम की जो इंटरनल सेटिंग्स थी आपका लाइटरूम फास्ट करने के लिए, इससे बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। बट अगर आपका सिस्टम बहुत पुराना है एंड कुछ भी करके मैनेज नहीं हो रहा, फास्ट नहीं हो रहा, देन दो चीजें बोलूंगा, नया कंप्यूटर भी लेने की जरूरत नहीं है। दो चीजें में अगर आप ध्यान देंगे देन उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपका जो कंप्यूटर भी एंड लाइटरूम भी फास्ट हो जाएगा। पहला है कि जो रैम होनी चाहिए वो एटलीस्ट 16 GB होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे ये भी सुनने में आता है या कोई सजेस्ट करता है कि नहीं नहीं 12 GB पे या 8 GB पे काम चल जाता है, हो सकता है काम चल जाए बट वो स्लो चलेगा, ड्रैग करेगा। काम चलने में एंड अच्छी तरह चलने में फर्क होता है। एंड दूसरा जो है, अगर आप हार्ड डिस्क जिस पे भी आप कैशे का जो आप फोल्डर बना रहे हो एंड जहां पर भी प्रीव्यूज के लिए फोल्डर बन रहे हैं वो SSD अगर होगी देन आप सोच भी नहीं सकते कि कितना फास्ट हो जाएगा, कितना फर्क पड़ेगा इन जस्ट इन दो चीजों से। इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हो सकता है आपकी कोई और टिप्स हो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइए एंड मैं भी उसको यूज करके देखूंगा। अगर आप नए हैं देन आप सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए बिकॉज उससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगी। अगर आप पुराने हैं हमारे देन आप लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप हमें अच्छे अच्छे कॉन्टेंट से इंस्पायर करते चलिए। स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।